अच्छा ये बता दो बस ये केक किस लिए लाए हो, बता ना क्या है आज। हाँ आज नानू की, आज नानू की और नानी की एनिवर्सरी है, तो ये केक लेके आए हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, काट लो ऐसे केल में केक, श्री टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी नानी, हैप्पी एनिवर्सरी मौसी मौसा जी। ओ बेटा 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 बेटा, उन्हें खिलाओ पहले, नाना को खिलाने तो दो बेटा, एक नाना और नानी को खिलाने दो पहले, नाना नानी को खिलाएंगे। चलो आप भी खिलाओ मौसी। मैंने खिलाया तो है। कहाँ खिलाया? तो वही। अरे मैं तो फोटो खींचने में लग रही, मुझे पता। मौसा जी आप खिलाओ मौसी को। रील बन रही है, जब आपकी वीडियो आएगी ना, हाँ जब देखना। चलो चलो लगाना है, बस बस लगा ले। चलो जी चलो, अब जल्दी फोन मारो पहले, रुक जा बेटा रुक जा, पहले फोन मारेगा मार ले। अरे वाह, चल आ जाओ बंटी, लो मैं तो खिलाऊं पहले आपको। और आज बना रहे हैं हम दही पपड़ी, इसके लिए लिया है हमने आटा और थोड़ी सी सूजी, अब देखते हैं ट्राई कर रहे हैं कैसी बनेंगी। लगे पड़े हैं पर पता है कुछ नहीं हमें भी। सौंठ हमारे पास रेडीमेड है और दही मैं तैयार करने जा रही हूँ, गिफ्ट है, इसे हम खोलने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें डाला है एक कटोरी बेसन और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच चीनी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। और जब बैटर बन जाएगा इसको मैं दिखाऊंगा, इसका बैटर देखिए इतना गाढ़ा बनाना पड़ेगा। और अब इसे कितने बैटर को 5 मिनट रख देंगे, और बैटर को रखने के लिए 1 गिलास पानी, बोल को ग्रीश करेंगे और इसमें बैटर को पलट देंगे। और इस बैटर में 1 पैकेटिनो डाला और 1 ही साइड को उसको फेंटना है, और इसे सेट करके बॉयल पानी में रख दे, स्टैंड लगा के इसको एयर टाइट करके ढक। और अब तड़का तैयार कर रहे हैं, तड़के के लिए ये लिया है थोड़ा सा रिफाइंड, डालेंगे 1 बड़ा चम्मच राई, राई को तड़कने देंगे और इसमें डालेंगे लंबी हरी मिर्च काट के, कड़ी पत्ता, इनको थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। इसमें 1 बड़ा चमचा चीनी का डालेंगे और इसको मीडियम लो पे पकने देंगे, 10 मिनट तो वो पकने देंगे, उसके बाद चाकू डाल के देख लेंगे। ये तड़के वाले पानी में 1 नींबू डाल देंगे और ये अभी गैस पे उतार के और इसे बोल से बाहर निकाल दिया, अब इसको सीधा कर लेंगे। स्पॉन्जी, और ये स्पॉन्जी देखिए कैसे सुंदर बना है, वाओ। अब काट लिया है और इसके ऊपर चाशनी हमने बॉईल करके रखी है, अब इसके ऊपर डाल देंगे। वाओ बन गया, वाओ एकदम। और ईशा ने बनाया है ये ढोकला, मैंने भी सीखा है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, एक बार अपने घर पे बना के देखूंगी। भाई पपड़ी बन के तैयार है, ये अमेजोन से हमारा पैकेट आया है, ये है वीवा कंपनी का, थोड़ा साइज छोटा है, जैसा पहले देखा था कि साइज जो मंगाते हैं उससे एक कम हो, लेकिन ये जो साइज हमने मंगवाया उससे कम है, तो ये हमें वापस करना पड़ेगा। कढ़ाई वगैरह तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बस साइज छोटा है।
इसको वापस करके दूसरा ट्राई करूंगी। और नानू में सालू ने मंगवाई है ये स्कर्ट, अभी मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। अभी आइए तो देखते हैं कैसी है फिटिंग की, और कलर पसंद होगा तो रखेंगे। ये है मजेंडा कलर की स्कर्ट, ये मैंने पहले ही मंगवाई है, कलर तो इसका फास्ट है बट अब साइज देखते हैं फिट आएगा तो उसे हम रखेंगे। ये है मजेंडा स्कर्ट, अब ये जैसा हमने मंगवाया था निकला वैसा ही है, देखते हैं पहन के साइज अच्छा है तो रखेंगे नहीं तो इसको भी वापस करेंगे। कलर हमारी पसंद का है। ये छोटा सा सुंदर बगीचा है, इसमें रोज पानी डालते हैं, कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, पहले भी ले गई हूँ। और ये है मौसी का सुंदर सुंदर सा बगीचा, करते हैं गुड बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में। और अपने घर में दो चार फूल पौधे जरूर लगाएं, स्पेशल सजेशन है मेरा, तो बाय बाय।